हेलो बच्चों, आज हम लाइट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक लेके आए हैं, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। होता क्या है बच्चों, जैसे मान लो यहाँ वाटर है, ठीक है। वैसे तो यहाँ व्हाइट बोर्ड है, पर फिजिक्स में तो हम मानते ही आए हैं, तो मान लेते हैं कि व्हाइट बोर्ड नहीं, यहाँ पे वाटर है और यहाँ अंदर एक है मछली विच इज जल की रानी, और हम इसको ऊपर से देख रहे हैं। तो मछली यहां पर है, ऊपर है एयर, अंदर है वाटर। हमें मछली कब दिखाई पड़ती है, जब मछली से रेज आती हैं और मछली की इमेज बनती है, फिश की इमेज। तो हम फिश से एक रेज ऐसे लेके जाएंगे, सीधी रे बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होती, मतलब सीधी रे कभी भी रिफ्रैक्ट नहीं होती, जैसी आई थी वैसी ही चली गई, है ना। ऐसा क्यों होता है, मैंने कई वीडियोस में बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो। और एक रे जो नॉर्मल इंसिडेंट हो, इट पासेस अनडेविएटेड। अच्छा, एक दूसरी रे लाए ऐसे, अब यहां पर बनाना पड़ेगा नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस हुआ, इसके परपेंडिकुलर लाइट जा रही है वाटर से एयर। वाटर कैसा मीडियम है, डेंसर। एयर कैसा मीडियम है, रेयर। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी ऐसे जाना चाहिए था पर नॉर्मल से दूर भाग गई। जाना ऐसे चाहिए था पर इट बेंड्स when it goes from denser to rarer, it bends away from the normal, normal से दूर भाग गई। अब मान लीजिए हम यहां से देख रहे हैं, ठीक है, although diagrammatic purpose के लिए इतनी बड़ी आंख और इतनी दूर बनाई है, असल में हम ऊपर से देखते हैं। खैर, ये रे हमारी आंख पे आके लड़ी, हमारी आंख ने कहा इमेज कहां बनेगी। इमेज बच्चों वहां पे बनती है जहां पे रेज मीट करती है। ये दोनों रेस आगे कहीं भी मीट करने वाली नहीं, हाँ पीछे मीट कर सकती हैं। तो मैंने इसको पीछे की तरफ थोड़ा बढ़ाया और देखा दोनों रेस यहां मीट की। तो ये मछली हमको यहां पे दिखाई पड़ेगी, हमको मछली ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ेगी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एक रे लाया सीधी चली गई, ये रे तो बेंड नहीं होती जो सीधी आती है। ये रे मैं ऐसे लाया, बनाया नॉर्मल, लाइट जा रही थी टेंसर से रेरर, इट बेंड्स, ऐसे जाना चाहिए था लाइट को, देखो ये एकदम सीधे रास्ते पे जाना चाहिए था, पर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। इन दोनों रेस को आंख ने सोचा कहां से आ रही है, पीछे मिलाकर देखा आंख ने, यहां से आ रही, हमें फिश यहां नहीं यहां दिखाई पड़ेगी। ये फिश की ओरिजिनल डेप्थ थी, इसको हम बोलते हैं रियल डेप्थ। असल में फिश इतना नीचे थी पर हमें दिखाई यहां पर पड़ी। ये फिश की क्या हो गई, apparent depth appear हो रही है, apparent depth। What is the reason behind this real depth and apparent depth? The reason is refraction of light। So आता है कि why does a fish appears to be slightly above its original position? Because of refraction of light। थोड़ी सी ऊपर दिखाई पड़ती है जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है। और एग्जाम्पल ले ले, जैसे मान लीजिए एक वाटर का पूल है, स्विमिंग पूल। हमें लगता है स्विमिंग पूल तो छोटा सा यार, इसमें तो हम उतर जाएंगे, कुछ नहीं होगा, और उतरते तो डूब जाते हैं पूरा। हम सोचते हैं इसमें तो मेरा पैर इतना सा जाएगा, और अंदर जाके तो यहां तक पानी आ जाता है। हम एस्टिमेशन गलत कर रहे थे, हमें लग रहा था कि पूल शैलो है, इतना गहरा नहीं है, जबकि असल में पानी बहुत गहरा था। ये क्या हुआ, मान लीजिए फिर से वही बात, ये वाटर है और ये पूल का बेस है। इस पॉइंट से एक रे निकली सीधी बिना डेविएशन के, एक ऐसे लाए, यहां पे बनाएंगे नॉर्मल, लाइट जा रही है डेंसर से रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहां से हम देख रहे हैं आइस को, इमेज कहां बनती हुई दिखाई पड़ेगी, वहां पे जहां से रेस आ रही हैं,
तो रेज हमें दिखेंगी यहां से आती हुई। भाई ये दोनों रेज पीछे कहां मिलेंगी, इस जगह पे। तो ये जो पूल का बेस है ये बेस हमको यहां पे दिखाई पड़ेगा। तो ये पूल की रियल डेप्थ थी, रियल डेप्थ। और पूल की ये हमको हुई अपीयर डेप्थ, मतलब अपरेंट डेप्थ। सो अ पूल अपीयर्स टू बी शैलो देन इट ओरिजिनली इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन आता है इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो लाइट के वीडियोस प्लेलिस्ट में फिजिक्स वाला चैनल में लाइट में पड़े हुए हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ये दोनों चीज डिपेंड करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ। ये हुआ इनका फॉर्मूला। वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। न्यूमेरिकल देखें कैसे आ सकते हैं। अब वाटर हो या कोई भी चीज हो, जैसे मान लो ग्लास हुआ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर विल बी रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। जो भी हुआ हम फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे क्वेश्चन आया कि द डेप्थ ऑफ अ स्विमिंग पूल इज 5 meters, या ले लेते हैं ओरिजिनल वैल्यू लेते हैं थोड़ी सी, इज 2 meters, फाइंड इट्स अपरेंट डेप्थ। और हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है वाटर की, नहीं पता। वाटर की होती है 4/3 विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो हमने कहा म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। 4/3, रियल डेप्थ कितनी है 2, अपरेंट डेप्थ नहीं पता। यहां से अपरेंट डेप्थ हो जाएगी 2 × 3/4, 2 × 4, 3/2, 1.5 meter। तो 2 meter गहरा था, पर हमको गहरा कितना दिखा, 1.5 meter। इसमें एक जो क्वेश्चन आता है वो शिफ्ट पे होता है कई बार। शिफ्ट, ये शिफ्ट क्या चीज है आइए समझते हैं। मान लीजिए बच्चों ये है रियल डेप्थ और मान लीजिए ये है अपरेंट डेप्थ। सिर्फ मान लिया अपरेंट डेप्थ थोड़ी कम कर ली, रियल डेप्थ ज्यादा कर ली। तो यहां से यहां कितना खिसक गया ऑब्जेक्ट। जैसे फिश थी, हमें फिश यहां दिखनी चाहिए पर दिखाई यहां पे पड़ी थोड़ी ऊपर। तो शिफ्ट कितना, सॉरी फिश कितना शिफ्ट कर गई, जो ऑब्जेक्ट था वो कितना शिफ्ट, कितना ऊपर चला गया। इस चीज को बोलते हैं बच्चों शिफ्ट। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। इसमें से ये माइनस कर दें, ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दें, मतलब शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। इस तरह से हम शिफ्ट वाले सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। जैसे कंसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पोस्टेज स्टैम्प, बहुत पहले मैंने सॉल्व किया है, शायद वैल्यूज थोड़ी इधर उधर हो, कोई बात नहीं, जो कंसेप्ट है वो सही होना चाहिए। अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय 7 millimeter व्हेन ऑब्जर्व्ड थ्रू अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फाइंड थिकनेस ऑफ स्लैब। देखने में लग रहा है कि रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ कहां है इसमें सर। देखिए थोड़ा सा सोचते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं तो समझ में आएगा। ये ग्लास स्लैब दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, 3D में बना हुआ है, मस्त एकदम बढ़िया, ठीक है। यहां पे एक स्टैंप रखा है और इस स्टैंप को हम ऊपर से देख रहे हैं, तो स्टैंप अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल थोड़ा सा उठ जाएगा क्योंकि
बीच में कौन है, ग्लास, थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। ये स्टेम की कौन सी डेप्थ हुई, रियल डेप्थ, और ये स्टेम की कौन सी डेप्थ हुई, एपरेंट डेप्थ, थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ेगा कि नहीं, पर ना ही रियल डेप्थ पता है ना ही एपरेंट डेप्थ हमें पता है। इट अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय, इतना उठ गया, रेज्ड बाय का मतलब क्या, हमें पता है शिफ्ट, इतना रेज हुआ, वी नो शिफ्ट। सो व्हाट इज शिफ्ट, शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, शिफ्ट रख दी 7 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, म्यू इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ। यहां से देखो हम एपरेंट डेप्थ को लिख सकते हैं रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है, तो ये लिख गया रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई म्यू। थोड़ी देर के लिए रियल डेप्थ को एक्स लिख लेते हैं, चलिए ठीक है, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बन जाएगा 7 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बाई म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5, इसको सॉल्व कर ले, x की वैल्यू मिल जाएगी। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको, लेट्स सॉल्व दिस, सो 7 इज इक्वल्स टू x कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन 1.5, सो दिस विल बी x, 1.5 माइनस एलसीएम विल बी 1.5, 1.5 माइनस 1.5, 5 3s are 15, x is equal to 7 into 3, 21 millimeter. What is x? X is real depth. Real depth कितनी है? 21 millimeter. तो ये जो चीज है, ये पूरा कितना है? 21 millimeter. और ध्यान से देखें तो यही ग्लास की थिकनेस भी है. तो ये हुआ शिफ्ट का कंसेप्ट. Shift is equal to real depth minus apparent depth. दोनों ही नहीं पता था. तो हमने कहा एक फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ का रियल डेप्थ अपॉन म्यू, इसको पुट कर दिया, एपरेंट का रियल डेप्थ अपॉन म्यू, एक्सेप्ट लिया, सॉल्व कर दिया। इसका एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ 1 माइनस 1 बाय म्यू, सीधा फॉर्मूला। ये देखो यहां से ये शिफ्ट था, ये शिफ्ट था इज इक्वल टू रियल डेप्थ कॉमन, रियल डेप्थ कॉमन 1 माइनस 1 बाई म्यू, सीधा फॉर्मूला, शिफ्ट की जगह 7 रखते, रियल डेप्थ नहीं पता x, 1 माइनस 1 बाई 1.5, सीधा x की वैल्यू आती 21 मिलीमीटर। सो ये था रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ। अब इसमें एक बड़ा अच्छा सवाल आता है, ठीक है, सैंपल पेपर में है, अभी तक एग्जाम में नहीं आया, ये सब तो सवाल हो जाएंगे ना कि रियल डेप्थ दिया है तो अपरेंट डेप्थ निकालो, अपरेंट डेप्थ दिया तो रियल डेप्थ निकालो, शिफ्ट निकालो वगैरह वगैरह, ठीक है। अब जैसे एक सवाल आता है कि एक बर्ड है, सवाल इंटरेस्टिंग हो रहा है, और यहां वाटर है और वाटर के अंदर वही अपनी पुरानी मछली, जल की रानी। क्वेश्चन है कि जब बर्ड ने मछली को देखा तो मछली कहां दिखेगी, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर दिखेगी, है ना, है कि नहीं। जैसे जब बर्ड मछली को देख रही तो एक रे चली गई अनडेविएटेड, एक रे ऐसे आई नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड्स अवे, पीछे जाके मिलाया मछली यहां पे दिखाई पड़ी, तो मछली थोड़ा सा रेज्ड हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। जो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन आता है या जो आया हुआ है स्पेसिमेन पेपर्स में, सैंपल पेपर्स में, वो है कि जब मछली बर्ड को देखेगी तो बर्ड कहां दिखाई पड़ेगी। अब ये देखने वाले हैं तो रेस कहां से लाए, बर्ड से, एक रे बर्ड से लाए चली गई सीधा, एक रे बर्ड से लाए ऐसे बनाया नॉर्मल, ये कैसा मीडियम है, रेरर, ये कैसा मीडियम है, डेंसर, रेरर से डेंसर लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब रेरर से डेंसर आते, देखो इस रे को ऐसा जाना चाहिए था ऐसा, बट इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये मछली है, मछली इन दोनों रेस को ऊपर मिलाएगी अपनी दिमाग में, और ये रे यहां से मछली अपनी दिमाग में इन दोनों रेस को मिला रही है, किसको किसको, ये रे आई बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस रे को इसने ऊपर मिलाया और उसको बर्ड यहां दिखाई पड़ी ऊपर,
इस बार देखो रियल डेप्थ ये है और एपरेंट डेप्थ ये है, मतलब जरूरी नहीं है कि एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से छोटी हो, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहां है। अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है तो एपरेंट डेप्थ ज्यादा हो जाएगी। रे डायग्राम समझ में आ रहा है, फिर से बना दूं, ये रही चिड़िया, ये रहा पानी, ये चिड़िया से एक रे सीधी गई, एक रे ऐसे लाई, नॉर्मल बनाया, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां से मछली देख रही है, ये मछली की आंख, एक रे ऐसे, एक रे ऐसे, तो चिड़िया अपनी पोजीशन से ऊपर दिखाई पड़ रही, अपरेंट डेप्थ ज्यादा रियल डेप्थ कम, तो जरूरी नहीं कि अपरेंट डेप्थ हमेशा कम है, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर में। तो जब मछली चिड़िया को देखेगी चिड़िया ऊपर दिखेगी, और चिड़िया मछली को देखेगी तो मछली भी ऊपर दिखेगी, मतलब जब फिश ने बर्ड को देखा तो बर्ड अपीयर्स फार्दर, बट जब बर्ड ने फिश को दिखाया इट अपीयर्स क्लोजर, तो ये डिफरेंस है। सो दिस इज रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। थैंक यू।